Hi everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. Today we are going to start the second lesson on saying please, written by Alfred George Gardiner. On saying please इस लेसन में Alfred Gardiner ने सभ्य शिष्टाचार युक्त व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है इसका वर्णन किया है. इस लेसन में उन्होंने दिखाया है कि पोलाइटनेस यानी नम्रता तथा गुड मैनर्स यानी सभ्य वर्तन कैसे हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक और स्वीटन यानी मीठा बनाते हैं तथा डिसकर्टसी यानी असभ्य व्यवहार और इल मैनर्स यानी विकृत मनोवृत्ति किस तरह से अपने वातावरण को खराब करती है. देरी न करते हुए हम अपने लेसन की ओर चलते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑन सेइंग प्लीज यानी कृपया कहने पर. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. शहर का कार्यालय है, उस कार्यालय में एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति रहता है जो पैसेंजर्स को ऊपर नीचे लेकर जाता है वह लिफ्ट मैन है. वह पैसेंजर को बाहर फेंकता है और पैसेंजर के द्वारा उस पर एक चार्ज लगाया जाता है, उस पर ऑफेंस यानी उसे गुनाह के रूप में देखा जाता है और उस पर पेनल्टी यानी फाइन दंड उसे दूसरे दिन लगाया जाता है. अब ये घटना किससे घटी आगे लेखक देते हैं. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, बस प्लीज का ही सवाल था, उस पर इतना सब कुछ हुआ. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप, जिसने शिकायत दर्ज की वो जो पैसेंजर है वह लिफ्ट में आया और उसने कहा ऊपर चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज, और लिफ्टमैन ने देखा कि वह उग्रता से बोल रहा है तो उसने बोला कि टॉप नहीं टॉप प्लीज कहिए, कि कृपया ऊपर चलो ऐसा कहो. एंड दिस कंसेशन बिंग रिफ्यूज ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, और पैसेंजर ने यह रिफ्यूज किया, मना किया कि मैं प्लीज नहीं कहूंगा ऊपर चलो बस. बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, और फिर लिफ्ट मैन को भी गुस्सा आया और उसने उसे बुरी तरह से हर्ल यानी बुरी तरह से बाहर निकलवा दिया लिफ्ट के. दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार, बस इतनी ही घटना घटी थी मैनर्स को लेकर कि उसने प्लीज नहीं कहा तो उस लिफ्ट मैन पर उसने गुनाह कर दिया, दर्ज कर दिया बाहर फेंकने के हिसाब से और उस पर दंड लगा. डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस, अगर हमारे कानून में देखो तो डिसकर्टसी यानी असभ्य व्यवहार ये कोई गुनाह नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, और किसी पर हमला और प्रहार करने के लिए इसका कोई बहाना भी नहीं है यानी ये बीच में आता भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है. और आगे एक लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्यूट मी, अगर बर्गलर यानी कोई चोर मेरे घर में आता है और मैं उसे मारता हूँ तो लॉ विल एक्यूट मी यानी मुझे फिर भी कानून निर्दोष साबित करेगा. एंड इफ आई एम फिजिकली असोल्टेड, और अगर वही चोर मुझे मारता है शारीरिक पीड़ा देता है, इट विल परमिट मी टू रिटालिएट विथ रीजनेबल वॉयलेंस, और मुझे इसके लिए भी परमिशन देना लॉ मुझे इसके लिए भी परमिशन देता है कि मैं रिटालिएट यानी प्रतिकार करूँ और उसे वापस रिटर्न में मारूं. रीजनेबल वॉयलेंस, वॉयलेंस यानी हिंसा, हिंसा करने के लिए प्रतिकार करने के लिए लॉ मुझे परमिशन भी देता है. इट डज नॉट इज डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माय असाइलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ, तो ये लॉ क्यों करता है क्योंकि लॉ में कानून में इसके लिए कुछ कमांड्स है. ये बर्गलर यानी जो चोर है और मेरा प्रतिकार, इनके लिए हमें लॉ मुझे प्रतिकार करने की परमिशन देता है क्योंकि इसके कमांड बने हुए हैं. बट नो लीगल सिस्टम कुल अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, और कुल सैंक्शन द यूज ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकोगनाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस, पर कानून में बैड मैनर्स यानी गलत व्यवहार को लेकर कोई भी ऑफेंस यानी गुनाह माना नहीं गया है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है, उसे दंड के हिसाब से नहीं लिया गया है और उसको पनिशेबल ऑफेंस यानी शिक्षा के पात्र यानी दंडनीय अपराध के रूप में भी नहीं लिया गया है. आगे देखते हैं. एंड आर सिंपथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट लॉ इज रीजनेबल,
हमारी सिंपति है, सिंपति यानी सहानुभूति, हमारी उस लिफ्ट मैन को लेकर सहानुभूति है, परंतु हम इस बात को भी हमें स्वीकार करना ही होगा कि हमारे जो कानून है वह गलत नहीं है, वो रीजनेबल है, सही है. इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्कॉल ऑफ देयर फेसेस. तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा करे, और ऐसा हो भी नहीं सकता है, अगर बैड मैनर्स को, असभ्य वर्तन को अगर लॉ में जगह मिलती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं होती है, जैसे कि किसी का आवाज़, जिस किसी का बोलने का जो टोन होता है वो, या फिर किसी का बिहेवियर, या फिर उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमें पसंद नहीं होते हैं. अगर इन बैड मैनर्स को अगर लॉ में लिया गया, कानून के इसमें, दंडनीय अपराध के इसमें लिया गया, तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें भी आ सकती है. और फिर क्या होगा, आर्फिस्ट विल नेवर बी आइडल, फिर हमारे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, यानी हाथापाई हर रोज़ दिन होती रहेगी. एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और हमारी सिटी के, शहर के जो रास्ते हैं और जो गटर्स यानी जो नाले हैं वो हर दिन खून से बहते रहेंगे. इतने अपराध यहाँ पर होते रहेंगे अगर बैड मैनर्स को लॉ में लिया तो, उसको कानून के रूप में माना तो. आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वॉयलेंस रिटालिएशन. अगर मैं प्लीज मतलब अनसिविल यानी अशिष्ट व्यवहार करता हूँ, और वॉयलेंस रिटालिएशन प्रतिकार में अगर मैं हिंसा भी करता हूँ, तो भी मेरा कानून क्या करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है. आई मे बी हॉटी, हॉटी यानी घमंडी, और बुरिश, बुरिश यानी अशिष्ट. मैं अशिष्ट रहूँ या घमंडी जैसा व्यवहार करूँ, फिर भी देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो, तभी मुझ पर कोई पेनल्टी, कोई दंड नहीं लग सकता है. हाँ, बस एक ही पेनल्टी मुझ पर लगती है, क्योंकि वो है मेरे सहयोगी जो है वो मुझे बुरा मानते हैं, या फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत शब्द मेरे पीछे कहते हैं, इतना ही हो सकता है. लेकिन लॉ से, कानून से मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर्स पीपल्स सेंसिबिलिटीज एनी मोर देन इट. लॉ मुझे, कानून मुझे प्लीज़ कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और ना ही मैं दूसरों की भावनाओं को दुखाऊँ, ऐसे शब्द कहने से मुझे रोक सकता है. जैसे कि आई शॉल नॉट वैक्स माई मुस्टैश, मतलब मुस्टैश यानी मुझे, मैं अपनी मुझे काटूँ या नहीं काटूँ, डाई माई हेयर, मेरे हेयर को मैं डाई करूँ, और वियर रिंगलेट्स राउंड माई बैक, और मैं पीछे जटा धारण करूँ या नहीं करूँ, इन बातों में जैसे मुझे स्वतंत्रता है वैसे ही प्लीज़ कहना है या नहीं कहना है, मैनर्स मेरा गुड रहेगा या बैड रहेगा, इसमें भी मुझे स्वतंत्रता है, इसमें भी लॉ बीच में कुछ नहीं कर सकता है. इट डज नॉट रिकोगनाइज द लैक्सरेशन ऑफ आर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कंपेंसेशन. लैक्सरेशन यानी मेरे फीलिंग्स जो है उसको पूंग बनाना, यानी कट और टीयर, अपने फीलिंग्स को कट करना या कम करना या फिर आंसुओं से बहा देना उसमें भी, और मेरी नुकसान भरपाई, कंपेंसेशन या नुकसान भरपाई, वो लॉ नहीं कर सकता है, वो शब्द मेरे ही रहेंगे. देर इज़ नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स, और इस मैटर में कोई भी नैतिक मूल्यों की हानि हो या कुछ भी हो, इसमें लॉ बीच में नहीं आता है, उनको ये अलाउ नहीं है, यानी उसको वो परमिट नहीं किया गया है. इसके आगे लेखक क्या कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे. इसको लेकर, इन दो पैसेजेस को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से सबसे पहला सवाल है, वाई वॉज द पैसेंजर थ्रोन आउट ऑफ द लिफ्ट. हमारे स्क्रीन पर वो सवाल हमें दिख रहा है कि उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर क्यों फेंका गया था. तो उसका जवाब है, द पैसेंजर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द लिफ्ट फॉर बीइंग इम्पोलाइट, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वह इम्पोलाइट यानी नम्रता से युक्त नहीं था, उग्र था. ही डिड नॉट से टॉप प्लीज बट जस्ट से टॉप, उसने बस टॉप ही कहा, उसके आगे प्लीज, टॉप प्लीज नहीं कहा, इसके लिए लिफ्ट मैन ने उस पैसेंजर को बाहर फेंका. ये आंसर नोट डाउन कर लीजिए. और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन द लॉ नॉट कंपेल अस टू डू, और हमारा जो कानून है हमें कौन से काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है.
तो उसका जवाब है, द लॉ कैन नॉट कंपेल अस टू से प्लीज, हमें प्लीज कहना है, ये कहने के लिए हमें कानून बाध्य नहीं कर सकता है, और टू अट्यून आवर वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज, और दूसरे पीपल के भावनाओं को संभालना है, उनको तकलीफ नहीं देना है, इसके लिए भी लॉ हमें बाध्य नहीं कर सकता है। इसके आगे लेखक इस लेसन में क्या कहते हैं और गुड मैनर्स हमारे लाइफ को कितना इफेक्ट करता है, ये इस लेसन में दिखाया गया है और वो हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।